बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, नुक्ता में खुश आमदीद। नाज़रीन, सल्तनत उस्मानिया का दौर हमारी इस्लामी तारीख का वो सुनहरी दौर था जो हमें इस बात का यकीन दिलाता है कि हम मुसलमान एक बार फिर इस दुनिया पर हुकूमत कर सकते हैं और इंशाल्लाह एक मरतबा फिर मुसलमान इस दुनिया पर हुकूमत करते नजर आएंगे जब उन्हें आज की सुपर पावर्स अमरीका और यूरोप जिजिया देते होंगे और मुसलमान हकीकी मानों में अल्लाह के दीन को दुनिया में नाफिस करेंगे। नाज़रीन, सल्तनत उस्मानिया सीरीज की 29वीं किस्त में आज हम बात करेंगे सल्तनत उस्मानिया के ऐसे सुल्तान की जिसने तख्तो ताज हासिल करने के लिए अपने भाई को धोखा दिया और दुश्मनों के साथ इतिहाद करके सल्तनत उस्मानिया का सुल्तान बना। ये शख्स कौन था और क्यों इस शख्स की सुल्तान बनने में मदद की गई, इस सुल्तान के बारे में मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहें। नाज़रीन, सल्तनत उस्मानिया का 29वां सुल्तान मुस्तफ़ा चहारम 8 सितंबर 1769 को कुस्तनतुनिया में पैदा हुआ। सुल्तान मुस्तफ़ा चहारम सुल्तान अब्दुल हमीद अव्वल और मलका सनीपरवर सुल्तान का बेटा था। सुल्तान मुस्तफ़ा चहारम और उसका भाई महमूद दोयम अपने चचाजाद भाई सुल्तान सलीम सोयम के बाद उस्मानी खानदान के आखिरी मर्द रुकन थे, लिहाजा वो तन्हा ही सुल्तान सलीम सोयम के तख्त के वारिस होने के हकदार थे और इसकी वजह से सुल्तान मुस्तफ़ा चहारम के साथ अच्छा सलूक किया जाता था। सुल्तान मुस्तफ़ा चहारम चूंकि उम्र में बड़े थे और इसी वजह से सुल्तान मुस्तफ़ा को उनके भाई महमूद दोयम पर फौकियत हासिल थी। सुल्तान मुस्तफ़ा के मुख्तसर दौरे हुकूमत में सुल्तान ने अपने दोनों चाचाजाद भाइयों की जान बचाई और बाद में उनको कत्ल करने का हुक्म दे दिया था। सुल्तान मुस्तफ़ा सोयम सलीम सोयम का पसंदीदा वलीअहद शहजादा था, मगर सुल्तान मुस्तफ़ा ने अपने कजन सलीम सोयम को धोखा दिया और तख्त पर कब्जा करने के लिए बाकियों के साथ इतिहाद कायम किया। नाज़रीन, सुल्तान अब्दुल हमीद अव्वल के बाद सल्तनत उस्मानिया के तख्त का अगला सुल्तान सलीम सालिस थे जो एक नहायत सुलाजो और बंदा परवर शख्स थे। ताहम जनसरी से उनके ताल्लुकात अच्छे न होने के बायस उनके खिलाफ साजिशें शुरू कर दी गयी जिसके नतीजे में जनसरीस ने मुस्तफ़ा चहारम को इसके खिलाफ बगावत पर आमादा कर दिया और उसकी मदद से सुल्तान सलीम सालिस का तख्ता उलट दिया गया। सुल्तान मुस्तफ़ा चहारम 29 मई 1807 को अपने चचाजाद भाई सलीम सोयम की माजूली के बाद तख्त नशीं हुए। सुल्तान मुस्तफ़ा चहारम हंगामा खेज हालातों वाकयात के नतीजे में तख्त पर पहुंचे। सुल्तान मुस्तफ़ा चहारम ने तख्त नशीं होते ही सुल्तान सलीम सोयम के खिलाफ फतवा दिया कि उन्होंने मुसलमानों में काफरों के आदाब को मुतारिफ करवाने और जनसरीस को दुबाने का इरादा जाहिर किया था जो कि उस्मानी सल्तनत और दीन इस्लाम से गद्दारी के मुतरादिफ है। इस फतवे के बाद सुल्तान सलीम सोयम महल से फरार हो गए। ताहम लॉर्ड स्कैंड्रोस अपनी किताब दी ऑटोमन सेंचुरीज दी राइजर एंड दी फॉल ऑफ दी टर्किश एम्पायर में लिखते हैं कि महल से फरार होने पर सुल्तान सलीम सोयम को दोबारा कैद कर लिया गया जिस पर सुल्तान सलीम सोयम ने नए सुल्तान यानी कि मुस्तफ़ा चहारम के सुल्तान होने और उसको सुल्तान मानने की कसम खाई। इसके साथ ही खुदकुशी की कोशिश की। इस मौका पर सुल्तान मुस्तफ़ा चहारम ने जहर के प्याले को तोड़कर सलीम सोयम की जान बचाई। सुल्तान सलीम ये सोयम जहर पीकर अपनी जान देना चाहते थे। नाज़रीन, सुल्तान मुस्तफ़ा चहारम का दौरे हुकूमत मुख्तसर मगर सल्तनत उस्मानिया के लिए तकलीफ देता है। जेनसन गॉर्डन अपनी किताब लॉर्ड ऑफ द होराइजन अ हिस्ट्री ऑफ द ऑटोमन एम्पायर में लिखते हैं कि सुल्तान मुस्तफ़ा चहारम के तख्त नशीं होने के बाद जेनसरीस ने सारे कुस्तनतुनिया में हंगामा बर्पा कर दिया और शहर को सुल्तान सलीम सोयम की हमायत करने वालों के खून से भर दिया। अभी ये कत्लो गारतगरी जारी थी कि रूस ने सुल्तान सलीम सोयम से किए हुए मुआहदे के इवज उस्मानी कमांडर मुस्तफ़ा बैरकदार पाशा को रिहा कर दिया। मुस्तफ़ा पाशा सुल्तान सलीम सोयम का वफादार था, उसने रूसियों की मदद से सुल्तान सलीम सोयम को बहाल करने की कोशिश में अपनी फौज को कुस्तनतुनिया की जानिब मोड़ दिया। दरियाए डैनूब के गिर्द अरेदना के ग्रैंड वजीर की इमदाद से उसकी फौज काफी ताकतवर हो गयी जिसके नतीजे में मुस्तफ़ा पाशा ने दारुल हुकूमत कुस्तनतुनिया पर चढ़ाई कर दी और शाही महल पर कब्जा कर लिया। ताहम जनसरीज और उस्मानी फौजों ने उनका मुकाबला किया और उनको पिसपाई इख्तियार करना पड़ी क्योंकि उनको न सिर्फ रूसी फौज की हमायत हासिल थी बल्कि फौज का एक बड़ा हिस्सा रूसी फौज पर मुश्तमिल था। ताहम जब सुल्तान मुस्तफ़ा चहारम और रूस के दरमियान जंग बदी मुआहदे पर दस्तखत हुए तो उस फौज को पिसपा होना पड़ा और मुस्तफ़ा चहारम की फौजें बगावत कुचल कर अरदना के महल वापस लौट आई। नाज़रीन, मुस्तफ़ा चहारम की मुश्किलात में इसके बाद भी कोई कमी न आई।
और सुल्तान मुस्तफ़ा चहारम के दौर में इस्तांबुल और एड्रीन में एक तवील सर्दी हुई। इस सर्दी के बाद सुल्तान मुस्तफ़ा की हुकूमत को जंगलात की कमी और खुराक की कमी का सामना करना पड़ा। सुल्तान मुस्तफ़ा के दौर में फौजियों और एंड्रीन के मुहाफिजों की सूरत हाल तबाह हो गई। सुल्तान मुस्तफ़ा ने सूबाई गवर्नर से इमदाद के लिए फौजी भेजने के लिए कहा। सुल्तान मुस्तफ़ा चहारम ही के दौर में हालात बहुत खराब हो गए थे। इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि इस्तांबुल के करीब चंद मकामात मसलन इज़मित और सेसली से सिर्फ मामूली तादाद में फौजी इमदाद वापस पहुंच सकी थी, और इसके बाद अनातोलिया में सबसे पहले निजाम जदीद के मुजाहिरीन और अपानलो सुल्मान बे ने कुस्तनतुनिया की तरफ आने वाली हर तरह की इमदाद को खत्म कर दिया। सल्तनत के अंदर जारी इंतशार को खत्म करने के लिए सुल्तान मुस्तफ़ा चहारम ने अपने आप को उस्मान का वाहिद जिंदा बच जाने वाला वारिस करार दे दिया, और सल्तनत उस्मानिया के बाकी दो अहदेदारान सुल्तान सलीम और भाई महमूद दोम को कत्ल करने का हुक्म दे दिया, जो कि उस वक्त तोपकापी के महल कुस्तनतुनिया में कैद थे। इसके बाद सुल्तान मुस्तफ़ा ने अपने मुहाफिजों को हुक्म दिया कि बागियों को सुल्तान सलीम की लाश दिखा दी जाए, और मुहाफिजों ने सुल्तान सलीम की लाश को महल के अंदरूनी सहन में फेंक दिया। सुल्तान मुस्तफ़ा चहारम ने सुल्तान सलीम स्वयं की लाश को देखकर यही समझा कि शहजादा मोहम्मद दोइम भी मर गया है, मगर शहजादा नहाने की भट्टी में छुप गया था और इसी वजह से उसकी जान बच गई। जिस तरह बागियों ने सुल्तान सलीम स्वयं के दौरे हुकूमत में मुतालबा किया था कि सुल्तान सलीम स्वयं एक काबिल आदमी को अपनी जगह अता करे, इसी तरह बागियों ने सुल्तान मुस्तफ़ा चहारम के दौरे हुकूमत में भी यही मुतालबा किया कि सुल्तान मुस्तफ़ा चहारम एक काबिल आदमी को अपनी जगह अता करे। जब ये सब मारका चल रहा था, इसी हंगामे में वो शहजादा दोइम जो भट्टी में छुप कर भाग गया था मंजरेआम पर आया और ऐलान किया कि वो उस्मानी खानदान के वाहिद काबिल इंसान हैं जो सुल्तान मुस्तफ़ा चहारम की जगह ले सकते हैं, और फिर कुछ कुव्वतों की मदद से सुल्तान मुस्तफ़ा चहारम को माजूल कर दिया गया और उनकी जगह सुल्तान महमूद दोइम को सुल्तान बना दिया गया। सुल्तान मुस्तफ़ा चहारम के कलील दौरे हुकूमत में सल्तनत उस्मानिया को काफी नुकसान पहुँचा, लेकिन उनको तख्त पर लाने वालों ने बस अपना फायदा सोचा। नासरीन, सुल्तान मुस्तफ़ा चहारम की चार बीवियां थीं। सुल्तान मुस्तफ़ा चहारम की औलाद में सिर्फ उनकी एक बेटी थी जिसका नाम एमन सुल्तान था। सुल्तान मुस्तफ़ा चहारम को बाद में 16 नवंबर 1808 को सुल्तान महमूद दोइम के हुक्म पर कत्ल कर दिया गया, जो कि उस दौर का खुद बनाया गया एक कानून था और खुद को सल्तनत का वाहिद काबिल तरीन सुल्तान समझने वाला ये सुल्तान हमेशा हमेशा के लिए सो गया। सुल्तान मुस्तफ़ा चहारम को उनके वालिद के मकबरे में दफन किया गया। नासरीन, आपको इस सीरीज की ये किस्त कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और इस सीरीज की बाकी किस्तें देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोज मिलती रहें।